हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक का करोड़ मित्र यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस की फॉर्म को लेकर, जो कि हम फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से ssc.nic.in, ये जो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विजिट करेंगे। विजिट करने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह का डाटा इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट का मोड ऑन कर लेंगे। मोड ऑन कर लेने के बाद में आपको कुछ यहाँ से ऐसे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ से मैंने लॉगिन ऑलरेडी किया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से जाता हूँ। और यहाँ से ये मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यहाँ से मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020। तो यहाँ से अप्लाई पे बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई के बटन पर क्लिक करते ही आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा डाटा इंटरफेस, जो कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुआ है तो ये ऑटोमेटिक डिटेल फिल हो जाएगी। तो यहाँ से आपको फर्स्ट एग्ज़ाम सेंटर भरना है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग भरें, जो भी आपको सूटेबल लगता हो अपने यहाँ जाने में, तो वो आप अपना सेंटर भर सकते हैं दोस्तों। और फिर फर्स्ट सेंटर भरने के बाद में दोस्तों, आपको यहाँ से सेकंड सेंटर भी चूज करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेंटर में कुछ टेक्निकल दिक्कत हो या फिर कुछ भी हो सकता है, अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो तो आपको सेकंड सेंटर भी बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, मैंने भर दिया यहाँ पर सेंटर आपके सामने, कुछ प्रेफरेंस डाल दिए हैं, कोटा अजमेर जयपुर दोस्तों। फिर इसके नीचे यहाँ से एक सर्विस मैन के बारे में बोलेगा, इसको इन करना है दोस्तों। आपको रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी किया हुआ होगा, उसके अनुसार ही भरना है। यहाँ पे एज में छूट नहीं लेनी है मुझे। वैकेंसीज की, इसके पोस्ट कोड की डिटेल देखते हैं, जो स्टेट का कोड होता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं, 12 तक गणित में और जेड तक वैसे उसमें लगाने हैं। तो दोस्तों, 12वां नंबर का ऑल इंडिया है, तो सारे आपको प्रेफरेंस डालने हैं। यहाँ से देखते हैं हम प्रेफरेंस में, तो दोस्तों यहाँ से हम डाल रहे हैं आपको प्रेफरेंस। दोस्तों, ये हमने भर दिए हमारे पोस्ट कोड, जो कि सेम। और यहाँ से हम फिर हाईएस्ट हैं क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, जैसे हमने बीए किया हुआ है तो बीए लगा देंगे। और यहाँ से डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन एजुकेशन, यहाँ पे आप 10th स्टैंडर्ड करेंगे और 10th की डिटेल फिल करेंगे। यहाँ से आप पास करेंगे और ईयर ऑफ पासिंग, जो कि आप 10th कब की थी वो डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा बोर्ड या स्टेट है आपका, उस बोर्ड के अनुसार ही आप फिल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा वेट करना होगा और तब जाके नेम ऑफ बोर्ड खुलेगा। तो दोस्तों, साइट की प्रॉब्लम भी चल रही है थोड़ी। यहाँ से आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जो कि फ़ोटो तो 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए और सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों, करते हैं फ़ोटोज अपलोड। यहाँ से मैंने ऑलरेडी फ़ोटो साइज सेट कर रखी है, जो कि फ़ोटो रिसाइज ऐप होती है उसके द्वारा की जाती है। तो दोस्तों, ये देखिए, और नाम डेट वाली होनी चाहिए, उसके बगैर आपके यहाँ पे फ़ोटो मान्य नहीं होगी।
और यहाँ से सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद में ये जो फोटो में डेटा है वो यहाँ पे अपलोड की जाएगी। दोस्तों यहाँ से 10 वीक डिटेल भर लेनी है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बाद में, और यहाँ से आप इसे यस भी कर सकते हैं और नो भी। दोस्तों इसके बाद में यहाँ से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है, जो कि आपको अपने जहाँ से भी किया हुआ है वो अपलोड कीजिए। ये फ़ोटो डेट डालनी है।